पीएम किसान सम्मान निधि की इसको जारी किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जारी करेंगे। आज बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की जारी करेंगे। सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों के खाते में करीब 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सम्मान निधि के तहत अब तक 2,00,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। मैं देश के करोड़ों किसानों को वैसे ही 2,000 रुपए वाली किस्त भेजने वाला। किसानों के लिए गुड न्यूज। जी हाँ किसान भाइयों, 10 मिनट पहले आ चुकी किसानों के लिए बड़ी खबर। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दीपावली से पहले मिलेंगे पूरे 4,000 रुपए। जी हाँ किसान भाइयों, आप लोग बिल्कुल सही सुन और सही देख रहे हैं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि को लेकर कई बार प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जारी किया गया और इस बैठक को मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त 4,000 रुपए की जारी होने वाली है। और आपको बता दें, जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पिछली किस्तों का लाभ नहीं मिला, उन सभी किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में एक बड़ी सौगात देने जा रही है। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 12 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं। वहीं इस बार किसान सम्मान निधि योजना के तहत करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र की मोदी सरकार जारी करेगी। अगर आप देखेंगे कि करीब 3 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, अगर आप भी यानी कि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द घर बैठे ही अपना EKYC का वेरिफिकेशन करवा लेना है। साथ ही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कोई संदेह है, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1556 पर अपनी काम समस्या का साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।